वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हम, तो मज़ीद जो है वो लोग उनसे बातें करते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि आज जो है वो थोड़ी ज़्यादा ठंड है बाहर। तो भाई मुझे तो मॉल में तो नहीं लग रही खैर ठंड, क्योंकि मेरा ड्रेस भी जो है वो काफ़ी फुल है, तो इससे मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन बाहर काफ़ी ठंड है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे पूछते हैं कि मौसम इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? दानिश। दानिश के तानिश? दानिश। क्या करते हैं आप? रेलवे में। रेलवे में होते? ओके, सवाल करते हैं आप, मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जो पीछे मुड़े बगैर पीछे देख सकता है? पीछे मुड़े बगैर पीछे देख सकता है जराफा भी हो सकता है, उसकी गर्दन थोड़ी ऐसे फ्लेक्सिबल सी, तो मुड़नी पड़ती है। उल्लू। उल्लू की तो आंखें हिलती नहीं है, आपको पता? अच्छा। उसका पूरा मुंह हिलाना पड़ता है। क्या शेयर कर? गाना गा सकता हूँ? हम सब है लहरें किनारा, हम सब है लहरें किनारा, पाकिस्तान है आँखों का रोशन सितारा, पाकिस्तान है। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं आज मॉल में कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं एटीएम यूज़ करने आया था, तो मैंने आपको देख लिया एटीएम मशीन। तो वो तो हर जगह पे ये मॉल स्पेशल है। कल वो रिस्की, आपको पता है कि वो एटीएम को ऐसा आया है, तो मैंने कहा मॉल बेहतर है। काफ़ी एहतियात से चलते हैं आप। जी जी। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको देखिए। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम जी। इन्होंने बताया कि जो ये हैं वो रेलवे में हैं, और रेलवे के जो मैं आपको बता रही हूँ हालात कोई जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। सोचा था कि अब शेख रशीद जब से हैं उधर तो कुछ बेहतर होगा, लोगों की उम्मीद थी, लेकिन स्टिल जो है वो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आफ्टर ऑल हीज़ अ एंटरटेनमेंट, शेख रशीद जब भी बात करते हैं ही इज़ अ एंटरटेनर, मगर समटाइम्स काम में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वी नीड वर्क, वी नीड रिजल्ट। ओके, मैं अपने काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे लोगों को नहीं लगता होगा कि यार ये तो बड़ी फनफुल है, बड़ी एक्टिव है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन अबाउट अ वर्क, आई ओनली नीड रिजल्ट वट एवर। कोई भी वो बंदा हो जो मेरे काम में रुकावट बन रहा हो या काम के वक्त जो है वो लेजी हो रहा हो, मैं नहीं देखती। मैं उसी टाइम जो है वो रिएक्शन देती हूँ। मैं लोगों को जो है वो बहुत समझाती हूँ कि भाई काम के साथ सिंसेरिटी करो, चीज़ों को बहुत ईजी मत लो, है ना, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी फरमाया मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप अपनी मेहनत पुट करो, इंशाल्लाह रिजल्ट अल्लाह देगा। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सारा। सारा, प्लीज़ सामने देखें, क्या करती हैं आप? मैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हूँ, UET लाहौर से। ओके, वेरी नाइस। आज मॉल में कैसे आना? बस मैंने अपने शूज़ लेने थे और हस्बैंड ने कुछ चीज़ें लेनी थी अपने वार्डरोब, यानी विंटर आने वाला है तो उसके लिए ना। चलिए जी, मुझे बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम किस मुल्क में? नहीं आता। कोशिश करें, कोई और क्वेश्चन? पहले आप कोशिश करें। नो। आप मुल्कों के नाम तो लें, साथ ही नो कह रही, मुल्कों के नाम लें। चाइना। सही जवाब दे दिया, क्लैपिंग करें अपने लिए। कोशिश किए बगैर ही नो नो नो, कोशिश तो करें, क्या सुनाएंगी? मैं ना आपको दो रेसिपीज बताऊंगी। एक है गाजर का गजरेला, ना वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले गाजरों को अच्छी तरह कद्दूकश करके, और इसके अंदर अगर आपके पास चावल है तो उसको भी बॉईल कर लेना, तो उसको अच्छी तरह मतलब ग्राइंडर में अच्छी तरह उसको पेस्ट सा बना लें या मिक्स कर लें। उसके बाद उनको सबसे पहले गाजरों को दूध में डाल के ना, तो उसको मतलब बॉईल कर लेना, मतलब अच्छी तरह जब वो जोश में आ जाएँ तो उसके अंदर चावल डाल दें, फिर उसको अच्छी तरह पकाते रहें। जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी हंसपे मुनासिब डाल दें, इलायची पाउडर डाल दें। जब वो अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए तो उसको उतार लें या खोए के साथ ऊपर डेकोरेट कर दें और वो तैयार है। बादाम वगैरह डाल दें, गाजर का गजरेला भी तैयार हो जाता है। फिर इसका गाजर का हलवा है, जैसे गाजर को अच्छी तरह कद्दूकश करके तो उसको अंदर तेल के अंदर कुकिंग ऑयल जो भी डाल के उसको अंदर अच्छी तरह भून लें। फिर जब गाजर अपना पानी छोड़ दे तो जब उसके अंदर चीनी वगैरह मतलब जो होता है वो डाल दें, तो अच्छी तरह जब उसको भूनते रहें तो वो गाजर अपना पानी छोड़ देगी। फिर खोया डाल दें, उसको भून लें, तो गाजर का हलवा तैयार है। इलायची पाउडर, जितने बादाम पिस्ते वगैरह डाल लें, इसका गाजर का हलवा भी तैयार है। मीठे की शौकीन है, खा खा के ये तो हाल हुआ। अच्छा, घर में शौक से आपके अलावा कौन मीठा खाता है? मीठा मेरे हस्बैंड तो बहुत थोड़ा खाते हैं, मेरे बच्चे खाते हैं। ओके,
तो हस्बैंड क्या शौक से बनवाते हैं आपसे? वो ज्यादा कढ़ाई खाते हैं, वो डॉक्टर है ना तो लेकिन फिर भी वो कढ़ाई खाते हैं। डॉक्टर का कढ़ाई से क्या ताल्लुक है? नहीं आप कह रही हैं वो डॉक्टर है इसलिए कढ़ाई खाते हैं, मतलब वो सैद मिठा में होते हैं ना तो वहाँ पे कढ़ाई बहुत मिलती है। अच्छा जी, ये लें लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, बड़ा मजा आया, हमने इनसे बात की और इन्होंने जो है वो जैसे कि बताया। मुझे ये फनी लग रहा था कि वो डॉक्टर हैं तो वो कढ़ाई खाते हैं, अगर वो कहती डॉक्टर हैं वो जो है बोतल नहीं पीते, वो जो है वो हेल्दी डाइट खाते हैं। कढ़ाई इज अ हेल्दी थिंग बट डॉक्टर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकरा मरियम। इकरा क्या करती हो? आई एम ए हाउसवाइफ राइट नाउ। आपका नाम? मेरा कौन सी क्लास में हो? क्या उम्र है इसकी? जी क्या उम्र है? 2.5 साल। ये आपकी? क्या ये आपकी? माशाल्लाह। चले जी मुझे बताएं आज मॉल में कैसे आना हुआ? वेल ये बच्चे जैसे रोज जिद करती हैं कि झूले लेने हैं झूले लेने हैं, तो फिर हम जरा सबसे ऊपर वाले फोर्थ फ्लोर पे। किसके साथ आई? मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। भाई के साथ आई हैं? ओके। आपके हस्बैंड इधर ही होते हैं? इधर ही होते हैं लेकिन वो जॉब पे थे, ब्रांच मैनेजर है बैंक में, तो इसलिए नहीं हो सके। चले जी ओके। चले जी मैं आपसे सवाल कर दूँ, ठीक है? ठीक है। मुझे बताएं दुनिया का सबसे छोटा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा शहर? नहीं पता। ओके, वो जो शहर है वो दुनिया के सबसे छोटे मुल्क में है? दुनिया का सबसे छोटा? नो आइडिया। क्या शेयर करें? मैं ब्यूटी टिप, जैसे कि सबको पता है कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, सो ग्लैसरीन जो होती है, ग्लैसरीन को अगर अर्की गुलाब में डाला जाए तो वो स्किन पे अप्लाई किया जाए तो बहुत अच्छा वो होता है, रेमेडी है, इट्स अ रेमेडी फॉर डैंड्रफ, मतलब स्किन पे जो हो जाती है। ओके, घर में क्या रूटीन रहती है सारा दिन? घर में रूटीन बच्चों के पीछे बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो, एक बेटा है। बेटा कहाँ है? बेटा वो मम्मा ने पकड़ा हुआ है, यहाँ पे रही है, घूम रही है। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू। यू वेलकम। फातिमा जी बहुत ही जो है वो शरारती थी उनकी बेटी, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आप अपने बच्चों को सिखाएं किसी भी चीज़ को लेके, बच्चे पर नहीं समझते, आप कुछ भी कर लें, बच्चे बच्चे ही होते हैं, एमी तो नहीं उसे कहते बच्चा, बच्चे का मकसद यही है, वो बच्चा जो है उसने बस वहाँ पे गाड़ी देख ली और उसने अपनी मम्मा को जो है मैं कहती हूँ एक सेकेंड खड़े नहीं होने दिया, मम्मा गाड़ी दो, वो वाली गाड़ी दो मुझे, मैंने उस गाड़ी में झूला लेना। इसी तरह हम इधर एक दफ़ा शो कर रहे थे प्रोग्राम, हम अपना यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे एक बच्चा था वो तकरीबन एक घंटे से ना गाड़ी में बैठा हुआ था, ये तो यहाँ पे लेके फिरते हैं। जब उसकी अम्मा ने उसको लेके जाना शुरू किया तो उसकी चीखों की आवाज़ पूरे मॉल में गूंज रही थी, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, मॉल बंद हो गया था मगर वो बच्चा घर नहीं जा रहा था। इतने भी ज़िद्दी जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो हमें जो है बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए ताकि बच्चों ने आखिर कल को मार्केट में चलना है, बड़े होना है, तो थोड़ा बच्चों को पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सबा। जोहा। कौन सी क्लास में हो? ओके, सामने देखो आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ? हाउस वाइफ हूँ। दोनों आपके बच्चे? हाँ जी, और साथ में मैं स्टडी करती हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ साथ में स्टडी। क्या पढ़ रही हैं? मैं बीकॉम कर रही हूँ। वेरी नाइस। कितना टाइम हो गया शादी? शादी को मेरे 7 साल। तो इतने अर्से बाद स्टडी स्टार्ट करने का एकदम दिल में बहुत अच्छा किया, मगर दिल में कैसे आया? ऐसे आया कि बस सभी फैमिली में सारे पढ़े लिखे थे, सभी अपनी अपनी जॉब्स करते थे, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी मेरी स्टडी कम है, तो मैंने कहा चलो अच्छा आगे से बच्चों के लिए भी काम आएगा ना, अगर आप अच्छा पढ़े लिखे होंगे तो आपकी आगे से जो। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मलेशिया में होते हैं। अच्छा अच्छा, और घर में कौन है जो और जॉब कौन करता है? मेरे फादर इन लॉ, मेरे देवर हैं, सभी जॉब गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ओके, नंद हैं आपकी? हाँ जी। वो जॉब करती हैं? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, एक तो आर्किटेक्चर बन रही है, दूसरी बीकॉम फाइनेंस कर रही है। चलें गुड, ज़रूर पढ़ें, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? रेडी हैं आप? यस। मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जो पीछे मुड़े बगैर जो है वो पीछे देख सकता है? पीछे मुड़े बगैर
नहीं पता, कोशिश करें। सांप हमने आप देख सकते नहीं, उसको देख ऐसे तो करना पड़ेगा। क्या शेयर करेंगे? मैं आपके साथ एक होम रेमेडी से शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप जैसे अब सर्दियां आई हैं ना, बड़ों के लिए मुश्किल हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, पाँव में जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो आपको चाहिए कि इसके लिए मैं आपको छोटी सी होम रेमेडी बताऊंगी जिसका फौरी तौर पर बहुत अच्छा असर आएगा। सबसे पहले आप लेंगे जैतून का तेल, जैतून के तेल को हल्का सा गर्म करके उसमें आपने लौंग डाल लेना है। लौंग डाल के थोड़ा सा उसको पकाएंगे ना, तो वो पक के जब नीम गर्म रह जाए तो आप अपने जो भी बड़े हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, मैं उनके लिए करती हूँ, तो आप उनके घुटनों पर लगाएं या उनकी कमर में या उनकी नीज पर लग जाते हैं तो उनको लगाएं, तो फौरन ही 10 मिनट में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। वेरी नाइस। और बेटा आपने क्या सुनाना है? ट्विंकल ट्विंकल Up above the world so high, like a diamond in the sky. Did you listen? And what did you listen to? Why did you listen to? Wow! Very nice. Lahore News ki tarah se aap logon ke liye gaya. Thank you. थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। इन्होंने जैसे बात की, बहुत मोटिवेशन जो है उन्होंने बहुत सी लड़कियों को भी दी होगी। इनकी शादी को जो है वो 7 साल गुजर चुके हैं और 7 साल के बाद इन्होंने दोबारा जो है वो स्टडी स्टार्ट की है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि उनकी फैमिली में तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो चाहती हैं कि वो भी पढ़ी लिखी हों ताकि उनको भी प्राउड फील हो या बेटर फील हो, प्राउड क्या मैं कहूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। उनका डिसीजन बहुत अच्छा था। तो ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और वो पढ़ नहीं पाती हैं, तो वो कहती हैं हमारी शादी हम पढ़ नहीं पाए। शुरू शुरू में हस्बैंड नहीं भी अगर उनकी इजाज़त देते यार नहीं तुमने पढ़ने नहीं जाना, तो चंद सालों के बाद जब माहौल नॉर्मल हो जाता है, 5-6 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, तो आप दोबारा बात करें, आप ज़रूर पढ़ें। पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ी लिखी होंगी तो आप अपनी औलाद को भी अच्छी तरबियत देंगी, उसको भी पढ़ाएंगी। तो एक मशहूर आपको पता ना, बंदे ने कहा था कि अगर आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे दो तो मैं तुम्हें एक पढ़ा लिखा मुआशरा दे दूँगा। सो पढ़ना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदनान शकील। मोहम्मद शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में स्टडी करता हूँ, बीबीए कर रहा हूँ फ्रॉम एजुकेशन यूनिवर्सिटी। मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से बीबीए आने का। आज मॉल में कैसे आना हुआ? जॉब के बारे में पता करने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है यहाँ पर जॉब। वाले को क्या जॉब मिली? सेलमैन की मिली है। वेरी नाइस। पार्ट टाइम कितने आवर्स करोगे? राउंड अबाउट 5 आवर। क्या पे करेंगे? 11,000-12,000। चलो गुड है स्टडी के साथ। क्या पढ़ रहे हैं आप? बीबीए ऑनर। बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी से जॉब करना शुरू कर देंगे तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। वेरी नाइस। और आप कैसे आए? मैं पहले से जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। हम क्लास फेलो हैं, इकट्ठे स्टडी करते हैं, तो इसकी जॉब का पता किया आज। आपने इनकी कोई हेल्प की जॉब? जी जॉब में इसका पता करके आया। वेरी नाइस, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, मुझे बताएं दुनिया में कितने फीसद लोग खून देने के काबिल हैं? जो राउंड अबाउट 65% लोग। 90% राउंड अबाउट 90%। मैंने कहा कम। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? दुनिया में कितने फीसद लोग खून देने के काबिल हैं? खून देने के काबिल हैं 90% हो गया आई थिंक। खून देने के काबिल 35%। हाँ 38%। तुम करीब भी हो भाई, क्लैपिंग करो इनके लिए। क्लैपिंग आप भी अपने लिए कर लो। क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुनाना है मैंने। ये लो। और आपने? जी मैं भी सॉन्ग सुना। अच्छा आप पहले गा के फिर इनको माइक देना। सामने मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा,
تو دل تو یوں جان میری میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے بنا لگدا جی لائیے جے یاریاں پھر لا کے توڑ نبھائیے نی مک جاوے پاوے جانوے پر یار تو دور نہ جائیے نی جے یاریاں پھر لا کے توڑ نبھائیے نی مک جاوے پاوے جانوے پر یار تو دور نہ جائیے نی ویری ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ تھینک یو یو ویلکم کتنا عرصہ ہو گیا دوستی دوستی بھی ابھی ہوئے ایک منتھ کا ایڈمیشن اکٹھا ہوا ہے نا ایک منتھ ہوئے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے کیا لگتا ہے کتنی دیر چلے گی دوستی ان شاء اللہ چار سال جب تک ساتھ ہیں اب تو جو بھی ساتھ ہو گئی ہے اسٹڈی بھی ساتھ ہو روم بھی ہمارے ایک ہی ہے اچھا پھر تو جتنا مرضی لڑ لو اکٹھے تو رہنا پڑے گا جی ابھی تو میرا ارادہ کہ ہم بھی ساتھ ہی کریں انشاءاللہ اچھا ابھی پہلے بیوی کر لے کھانا باہر سے کھاتے ہو ہاسٹل میں رہتے ہو موسٹلی اکٹھے شیئر ہے ہمارا گھر تو ہاسٹل میں بنا کے دیتے ہیں یا باہر سے کھانا میس رکھا ہوا ہے نیچے میس ہے وہاں سے کھاتے ہیں ابھی خود ہی بنا لیتے ہیں بنانے دیتے ہیں کیا بنا لیتے ہو میں ہم چاول بناتے ہیں دونوں مل کے بنا لیتے ہو بالکل چلو بتاؤ جی سب سے پہلے تو پانی شانی گرم کرتے ہیں اس کے علاوہ پیاز کاٹ کے اس کو تڑکا شڑکا لگا کے پھر اس کے علاوہ چاول ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح بنا دیتے ہیں چاول کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاول تم لوگوں سے نرم ہو گئے ہوں کیونکہ تم آخر لڑکی ہو جاتا ہے یہ تو نہیں بندہ پرفیکٹ تو نہیں کرتا پروفیشنل اور شروع شروع میں بہت زیادہ تھا اب تھوڑی بہت پریکٹس ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بنا لیتے ہو ہاں جی بنا لیتے ہیں سبزی وغیرہ بنا لیتے ہیں آملیٹ بنا لیتے ہیں اور ایزی ہے آملیٹ بھی بن جاتا ہے چائے مجھے پسند نہیں ہے چائے بنا لیتا ہوں چائے تو سب سے آسان ہے چائے اچھا گڈ تھینک یو جی دو بڑے اچھے سے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ہیں وہ رہتے ہیں ہاسٹل میں اور وہ دونوں جو ہے ویسے تو کھانا بنا بنایا ہی لیتے ہیں میس سے لیکن کبھی کبھی وہ خود بھی بنا لیتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود جو وہ بناتے ہیں وہ رائس بناتے ہیں جو کہ سب میں کہتی ہوں مشکل چیز ہے کیونکہ رائس تو پروفیشنل جو لو پروفیشنل آئی مین کے جو خواتین ہیں ان سے بھی نرم پڑ جاتے ہیں وہ بھی اکثر چاولوں کو جو ہے وہ نرم کر دیتی ہیں پرفیکٹ نہیں بنا پاتی ہیں تو یہ تو پھر لڑکے ہیں یہ حلوہ ہی بناتے ہوں گے یقیناً یا دلیا ٹائپ بناتے ہوں گے کچھ مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھانا بنانا شروع کر دیا ہے تو پھر ضرورت ایجاد کی مائیں جب سر پہ پڑتی ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے جی ناظرین ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا سو لیٹس ہیو اے بریک